यहाँ पे 40 से 50 लगे हुए हैं हनी की जो टाइप्स हैं, तो एक एक भी मैंने फ्री टेस्टर किया था, मैं आधा किलो शायद खाया ना इन्हों का। मैंने इंडियन स्टाल के लिए लादा था 100 दिरहम रखा हुआ था। जिंदगी में पहली दफा बड़े मुंह का फायदा हुआ है, सारे खा रहे हैं इनके खाने की दही बड़ी मजेदार। मैं मिस्र के जो पवेलियन में आया था, मेरा ख्याल था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होगी उस स्टाइल में होगी, लेकिन बिल्कुल 90% यहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं। मैं बिल्कुल कोई फिरौन से मुलाकात करने नहीं आया था, लेकिन मेरा ख्याल था कि कुछ इनका हिस्टोरिकल सिलसिला होगा। सामने मैं सोच रहा था दोरातल मियाँ लिखा हुआ है, ये कौन सी कंट्री है, लेकिन राइट साइड से जो था ना वहाँ पे टॉयलेट लिखा हुआ है, टॉयलेट को अरबी में दोरातल मियाँ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, कम टू दुबई सीरीज में आज मैं आ गया हूँ ग्लोबल विलेज, और मैं आपको सीरियसली बताऊँ मैंने इसको कभी भी इस लेवल का नहीं समझा था, लेकिन यहाँ पे इतनी दुनिया है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सारा दुबई यहीं पे आ गया है। और जो पिछले कुछ रीसेंट टाइम्स में दुबई के जो अट्रैक्शन हैं उसमें से ये बिगेस्ट वन है, और यहाँ पे मोर देन 50 कंट्रीज के स्टॉल्स हैं, पवेलियंस बनी हुई हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, फूड ले सकते हैं, और एक कल्चरल फ्यूजन यहाँ पे ऐसी हुई है कि ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। तो आइए मेरे साथ चलिए, हम लोग जो मेरे अपने पसंदीदा मुल्क हैं उनमें है जी लबनान, इंडिया, तुर्की तो है ही, इजिप्ट हुआ तो वो मैं लाजमी विजिट करूँगा, और पाकिस्तान तो हमने जाने जाना है। तो ग्लोबल विलेज का एपिसोड बड़ा ज़बरदस्त है, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं, आधा पौना घंटा अभी फंसे रहे हैं उदेश पार्किंग ही, तो मेरे साथ रहिएगा, वीकेंड का टाइम है और रश बहुत ज़्यादा है। दुबई ग्लोबल विलेज जाने की दो ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन है टैक्सी की, डेरा से अगर पीक आवर्स में ग्लोबल विलेज जाया जाए तो टैक्सी का 110 से 130 दिरहम के दरमियान किराया बनता है, जबकि दूसरी ऑप्शन है दुबई बस की, यह डेरा में मौजूद यूनियन मेट्रो स्टेशन से चलती है और इसका एक तरफा किराया 10 दिरहम पर पर्सन है। मेरे पास कार्ड कोई नहीं है इसलिए मैं कैश पे टिकट ले रहा हूँ, और टिकट के यहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंटर्स बने हुए हैं, मतलब टेंशन वाली कोई गाल नहीं, ईजिली मिल जाएंगे। ये है जी इसकी एंट्री, वाओ। अच्छा इसके 3-4 एंट्रीज हैं, हमें टैक्सी ने जहाँ उतारा है वहाँ से यही करीब थी, और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ग्लोबल विलेज में, और ये साल में लगता भी 3-4 महीने के लिए सर्दियों में ही है, तो चल के ढूंढते हैं पवेलियन कोई चंगा जा जिसे रोटी सही हो। अच्छा यहाँ पे एक 30 दिरहम का टिकट है, वो है कि आप हफ्ते के किसी दिन भी आ जाएँ, और एक 25 दिरहम का टिकट है उसमें डे जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है कि इस दिन की ये टिकट है, तो हमें मिला है उन्हें यहाँ पे 30 वाला देता है, हालांकि मैं चाहता मैंने 25 वाला दे दें। खैर अभी चलते हैं, रश बहुत लगा है इतने। नहीं जी, सबसे पहला जो पवेलियन मुझे नज़र आया है वो आया है यूके का नज़र, पता नहीं यूके है कि इटली है, क्योंकि यहाँ पे पैसा टावर भी है और बिग बैन भी लगा है, पता नहीं लगता है इंग्लैंड और इटली के पास पैसे थोड़े से, उन्होंने ला के एक ही ले लिया पवेलियन। ये एंट्रेंस है, अभी मुल्क नहीं स्टार्ट हुए, क्योंकि ये देखें ये ताजमहल बना हुआ है और यहाँ पे दारुल तूर लिखा हुआ है, ये परफ्यूम शॉप है, और कंट्रीज आगे से स्टार्ट होंगी। जिन जिन कंट्रीज का मुझे देखने में लग रहा है अट्रैक्टिव और उनका कल्चर कलरफुल और उनके जो सिंबल्स हैं उसे में मार जाना है, ये यमन है, अल यमन। ओह हो, स्पाइस की आई है स्मेल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, मेरा ख्याल वापस ही चलिए। हनी? Yes, honey. यहाँ पे 40 से 50 लगे हुए हैं हनी की जो टाइप्स हैं, तो एक एक भी मैंने फ्री टेस्टर किया था, मैं आधा किलो शायद खाया ना इन्हों का। Hey,
पीछे महफिल मुफीकी भी चल रही है, ऑलरेडी डन, पीछे महफिल मुफीकी भी चल रही है, उधर भी हाजिरी देने हैं। मुझे लग रहा है कि पूरा यमन ही शायद बेच रहा है। इनका इलेक्ट्रिक कोलू चल रहा है इनका। और ये इनकी जड़ी बूटियां अंकल खंजर ला के जीना बेच रहे ने, जिन्हें पैसे ना दिते तेने छुरी पा देनी है। इजिप्ट द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, अ मस्ट विजिट कंट्री फॉर मी, कंट्री बियर पवेलियन भी। जो हिस्ट्री समझता हूँ मैं किसी मुल्क में वो मिस्र की समझता हूँ, लिहाजा इसके पवेलियन में लाजमी एंट्री दी जाएगी। ये नट्स हैं, सीड्स हैं और कुछ पापड़ छापड़ हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर कपड़ों का निज़ाम चल रहा है। अच्छा, वैसे मैं मिस्र के जो इन पवेलियन में आया था, मेरा ख्याल था यहाँ पे हिस्टोरिकल इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो होगी उस स्टाइल में होगी, लेकिन बिल्कुल 90% यहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं। मैं बिल्कुल कोई फिरौन से मुलाकात करने नहीं आया था, लेकिन मेरा ख्याल था कि कुछ इनका हिस्टोरिकल सिलसिला होगा, लेकिन कपड़े बेच रहे हैं ज़्यादातर तो ये, या सुवेनियर हैं, दो चीज़ें ही हैं। ये सऊदीया है जी, यहाँ पे आपको खजूरें मिलेंगी अन्य वाह। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं इस पवेलियन में नहीं जा रहा, ये कोई देख नहीं। मेरा जो अगला फोकस आ रहा है वो आ रहा है लेबनान पे, वहाँ से चल के कुछ खाएंगे। शिमला मिर्च है और कलेजी है, ये डोनर टाइप बना के दे रहे हैं। आप जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड पे कुवैत आता है, उसके बाद यमन, फिर इजिप्ट, फिर सऊदीया। सऊदीया के सामने ईरान है, और ये वैसे भी आजकल इंटरनेशनली करीब आते जा रहे हैं, तो अल्लाह करे और करीब आ जाएं, इनके पवेलियन भी करीब करीब है। और आगे जाएंगे तो आगे हमें मिलेगा जी इंडिया, इंडिया के सामने लेबनान और कतर, ये तीनों मुल्क फिरने हैं मैंने। कतर शायद ना जाऊँ, लेबनान और इंडिया की पवेलियन में चलते हैं जी। अभी तक का जो सबसे ज़बरदस्त आर्किटेक्चर एस्थेटिकली सबसे खूबसूरत जो देखा मैंने, वो मैंने देखा है ईरान का पवेलियन। इस तरह से आपको ईरान का ये जो पवेलियन है सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल मुनफरिद नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा साफ़ और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। ये हिस्टोरिकली, एथिकली, एजुकेशन वाइज, आर्ट वाइज और भी जो जो वाइज है, सब में ये इतना ही आगे है, इतना इनका पवेलियन खूबसूरत है। ये ईरानी कलीन
जो स्मगल होके पाकिस्तान में भी बहुत आते हैं, लेकिन ये हैंडमेड है वो बता रहे हैं। रानी कालीन वैसे पूरी दुनिया में बड़े फेमस है। लें जी, पहली जो सेल है हमारी परचेज है वो इन ईरानियन स्टैचूज की है जो कि फ्रेश हैं और हमने आधा किलो लिए हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन लोगों का आर्ट में और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के मास्टरपीस, इवन की ये जो पेंटिंग है इनमें 3D फील आ रही है। ये जो कारपेट है एक विंडो में पड़े हुए हैं और उसको 3D, ये आप देखें। मैं खुद भी एक ट्रैवलर हूँ और मैंने आज तक जितने भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल ट्रैवलर वो देखे हैं जो ईरान से होके आए हैं, वो ईरान का ही नाम लेते हैं हर जगह। ये इस कदर खूबसूरत मुल्क है और मेरी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है यहाँ पे जाने की, बस थोड़ा सा मामला चल रहे हैं, जैसे वो सेटल होते हैं तो इंशाल्लाह मैंने भी ईरान का ही ट्रिप मारना है। ईरान के बाद जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट दूर से ही मुनफरिद नज़र आ रहा है वो पवेलियन मुझे इस एंगल से इंडिया का नज़र आ रहा है। ये इनका एक पैलेस है बड़ा फेमस, आई डोंट नो कि जोधपुर है राजस्थानी पैलेस है, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन ये बहुत फेमस है। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ से हम कुछ हल्का फुल्का निज़ाम ज़िंदगी खाने का भी कुछ करेंगे। ले जी, इंडिया का जो स्टॉल है उसकी जो स्ट्रीट फूड है वो सबसे बड़ी है, तो वन बाय वन ये भी कवर करते हैं। ये जी मोमोज हमने लिए हैं, चिकन की फिलिंग काफ़ी ज़्यादा है इसमें। इसको पहले इडली बोल दो। मैंने इंडियन स्टाइल के लिए लादा था 100 दिरहम रखा हुआ था। जिंदगी में पहली दफा बड़े मुंह का फायदा हुआ है, सारे खा गए इनके खाना, क्योंकि दही बड़ी मजेदार। ये देखिए इतना बड़ा गोलगप्पा है। सामने मैं सोच रहा था दोरातल मियां लिखा हुआ है, ये कौन सी कंट्री है, लेकिन राइट साइड से जो था ना वहां पे टॉयलेट लिखा हुआ है, टॉयलेट को अरबी में दोरातल मियां कहते हैं। देन जी, अभी तक की सबसे बड़ी पवेलियन है। इसके अंदर भी स्ट्रीट फूड बना हुआ है, इसके बाहर भी स्ट्रीट फूड बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा है सिलसिला खाने का। यहाँ पे इंडियंस के अलावा बहुत ज़्यादा दूसरी कम्युनिटीज भी आई हुई हैं और अरेबिक यहाँ पे बहुत आए हुए हैं, कलरफुल है और यहाँ के जो रंग हैं इवन के फर्श को भी रंग किया गया है और इनके जो स्टॉल्स हैं वो भी बड़े कलरफुल हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा पवेलियन है इंडियन पवेलियन। अभी हम इंडियन पवेलियन से निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे सीधा लेबनान के पवेलियन में, वहाँ से हम करेंगे कुछ खाबा शाबा।
फलस्तीन को हाउस ऑफ ऑलिव्स कहा जाता है, तो आई थिंक यहाँ पे ऑलिव्स की बड़ी किस्में होंगी। ये फ्लोटिंग मार्केट है, सारी जो शॉप्स हैं ये बनी हुई हैं उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे थाई और चाइनीज़ फूड मिल रहा है, ये देखें, और रश कितना लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखें। बैंकॉक सिटी रेस्टोरेंट, हाँ ये चाइनीज़ थाई फूड ही लगी हुई है यहाँ पे, बस चेहरे भी सारे वैसे ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन रश देखें आप कितना लगा हुआ है। पवेलियन का जो साइज है वो काफी बड़ा है, ये आप देखें शाही किला लिखा भी हुआ साथ में, लेकिन ये मॉडल बाहर हो तो ही बेहतर है, क्योंकि बाहर के जो इन्होंने मेहराब मेंबर बनाए हुए हैं वो मेरी समझ तो बिल्कुल ही बाहर नहीं। पाकिस्तानी स्टॉल पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो फॉरनर्स लेदर की जैकेट्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि यूनिक चीज़ है। मैंने अभी तक जो 13-14 स्टॉल्स किए हैं उनमें लेदर का कोई स्टॉल उस तरह से नहीं देखा, ज़्यादातर जहाँ पे जो परचेज है वो लेदर की चल रही है, और उसके जो ख़रीदार हैं वो ज़्यादातर फॉरनर्स ही हैं यूरोपियन साइड के, जहाँ पे सर्दी पड़ती है, और अरबी ने लेदर की जगह लेके की करना है बंदा पूछे। बाकी कल्चरल किट्स यहाँ पर नहीं हो रहे, ये मार्बल भी हमारी एक प्राइड है, मार्बल का जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग। जो यूनिक चीज़ मैंने देखी है पाकिस्तानी पवेलियन में वो मार्बल और दूसरा लेदर, ये मार्बल और लेदर की दो प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे सेल हो रही हैं, मैंने अभी तक जो 13-14 पवेलियन फिरी हैं उनमें से किसी पे भी नहीं हो रही, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरनर्स हैं जो उसकी परचेज कर रहे हैं। ये मैंने इस्तांबुल में भी खाया था टैक्सिम स्क्वायर से, वहाँ पे भी इस तरह की एक शॉप थी, एक बड़ा सा आलू था जिसमें बहुत ज़्यादा सैलड आइटम्स थी, कुछ चटनियाँ वगैरह थी, कुछ सॉसेज थे, ऑलिव्स थे, ये है वो निज़ाम ज़िंदगी। 25 दिरहम की अभी तक ये जितनी चीज़ें खाई हैं ना उनमें से सबसे मज़े की चीज़ ये है, यहाँ जो इंडियन चाट खाई थी ना गोलियों पर वो भी बहुत मज़े के थे, वो थे 20 के थे। एक बड़ा सा आलू है जिसको उन्होंने डब्बे में लगा दिया, ये इन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि जो टर्की में मिलती है ना इस्तांबुल में मैंने खाए थे, वो बड़ा सा आलू जो था वो उसको प्लेट में रख दिया था, तो वो आलू के पाटने के बड़े चांस थे उसमें, इसमें डब्बे के अंदर ही रहेगा, और इसमें चीज़ भी है और जो जो चीज़ें डाली हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। ग्रीन ऑलिव, ब्लैक ऑलिव, इसमें कॉर्न्स हैं आलू की बेस के साथ, चीज़ है, और एक दो इसमें सॉसेजेस हैं। ओहो हो, ठंडा मीठा गरम नमकीन मिक्स होकर फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये देखिए ये आलू की बेस है, इसमें देखिए क्या कुछ आने लगा, ऑलिव्स आ गए, कॉर्न्स आ गए, ये बंद गोभी आ गई पर्पल कलर वाली, साथ में एक इनकी चटनी है ट्रेडिशनल। जो सबसे वाइब्रेंट लोगों का मुझे स्टॉल लगा है वो टर्की का है, यहाँ पे हर बंदा ही डांस कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त मोड में आपको वेलकम कर रहा है, और इतना कलरफुल सा है, बिल्कुल इस्तांबुल की फील दी हुई है उन्होंने, इस्तांबुल की गलियां भी इसी तरह की होती है।
काफी वाइब्रेंट है जी इनका। दुबई आए तो लाजमी देख के आए, नॉर्मली लगता है अक्टूबर से फरवरी तक लगा रहता है। आपको एक जगह पर रहते हुए दुनिया के सारी कंट्रीज की क्यूजीन ट्राई करने का मौका मिल जाता है, आप कल्चर देख सकते हैं लोगों का। नहीं जी, ग्लोबल विलेज का जो सफ़र है वो हमने ग्लोबल विलेज ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन हम खुद बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिया। और खाने भी हमने इस तरह के इतने ज़्यादा खा लिए, आधे से ज़्यादा की तो मैं वीडियो नहीं बना सका। और हम आखिरी घंटा हमने पूरा टर्की के पवेलियन में गुजारा है, बड़ा ही लाइवली और बड़ा ही एनर्जेटिक था। तो फैमिली के साथ आप यहाँ पे लाजमी आइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। और हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, 7-8 घंटे यहाँ पे गुजारें और मैक्सिमम इसको एक्सप्लोर करें। और क्योंकि मेरा पेट भर गया, नहीं तो मैं और एक्सप्लोर कर लेना सी। तो ग्लोबल विलेज के एपिसोड के बारे में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी भी कम टू दुबई सीरीज मेरी चल रही है, अगला एपिसोड आपने मुझे गेस करके बताना है और कमेंट करके बताना है कि मैं कितने जाऊँ। हालांकि जब आप कमेंट करेंगे तब मैं पाकिस्तान आ गया होगा, लेकिन कोई गल नहीं, तुम कर देना। अल्लाह हाफिज़। दुबई सीरीज में अगर आप जुमेरा बीच का खूबसूरत सनराइज देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। रिपोर्ट में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।